जी अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सब ठीक हैं। जी आज की वीडियो उर्वा हुकैन और फरहान सईद, उर्वा हुकैन और फरहान सईद फिल्म टिच बटन के प्रमोशन पर आई थी, जहां पर ये हो चुका है जी उर्वा और फरहान सईद का जो डिवोर्स हो गया था कुछ साल के बाद जी इन दोनों की फर्स्ट न्यू मूवी आई है और दोनों ने इकट्ठे उसमें काम के दौरान ये अपनी फिल्म टिच बटन की प्रमोशन पर, ये देखे स्टेज पर फरहान सईद उनके बालों को सरलाते हुए, उनको ठीक करते हुए, उनको प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखे उर्वा हुकैन नीचे उतरी हैं और फरहान सईद ने उनके फेस पर किस किया, डिवोर्स के बाद किसका क्या सीन बनता है। अब उनके जो फ़ैन हैं वो इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड हो गए हैं, वो समझते हैं कि उर्वा फरहान सईद का डिवोर्स नहीं हुआ। कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जी, वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो को वॉच करने से पहले जी आपने जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। उर्वा हुकैन और फरहान सईद अपनी फिल्म टिच बटन की प्रमोशन के लिए आए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उर्वा फरहान एक दूसरे को बार बार देख रहे थे, बेहद खूबसूरत लग रहे थे और यहाँ जी इनकी फिल्म टिच बटन की प्रमोशन पे हुई थी, मीडिया से इनकी गुफ्तगू थी, तब का ये सीन आपके साथ पेश करें। देखे उर्वा किस कदर खुश नज़र आ रही है फरहान सईद के साथ और फरहान सईद भी, उन्होंने दोनों को एक दूसरे को पकड़ के अपना फ़ोटोशूट एल्बम बनाया, बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे इनका डिवोर्स नहीं हुआ पर इनका डिवोर्स हो चुका है। फैन इनके इस बात से बेहद नाराज़ हैं इनसे। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो आपने सबसे पहले जी इसको लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके आपने मुझे राय देनी है कि आप लोग भी इसके बारे में कुछ जानते हैं, क्या रिलेशनशिप है अब इनका डिवोर्स के बाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से अब इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। उर्वा फरहान की टिच बटन की प्रमोशन पर धमाकेदार एंट्री और एंट्री के बाद जी उन्होंने किया है किस, बहुत ही अच्छी सी वीडियो आपके लिए पेश की थी।